मैं निशा तिवारी, सहायक प्राध्यापक रसायन शास्त्र, शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर। आज मैं बीएससी अंतिम वर्ष के पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री के यूनिट 3 स्पेक्ट्रोस्कोपी 1 के टॉपिक बी वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा में लेक्चर देने हेतु उपस्थित हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा किस रेंज में मिलता है। तो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा हम जानते हैं कि वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा हमको नियर आईआर रीजन में प्राप्त होता है। मींस जब मॉलिक्यूल नियर आईआर रीजन में एब्जॉर्प्शन करता है उस समय उसमें वाइब्रेशन ट्रांजिशंस उसके मॉलिक्यूल में होते हैं और उसके कारण जो स्पेक्ट्रा मिलता है उसको हम वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा के रेंज को 4 भागों में विभाजित किया गया है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पहला है फोटोग्राफिक रीजन, जो कि विजिबल से 1.2 माइक्रोन तक होता है। दूसरा है वेरी नियर आईआर रीजन, जिसे ओवरटोन रेंज भी कहते हैं, उसका रेंज 1.2 से 2.5 माइक्रोन तक होता है। तीसरा है नियर आईआर रीजन, जो वाइब्रेशन रोटेशन रीजन कहलाता है और उसका रेंज 2.5 से 15 माइक्रोन तक होता है। चौथा है फार आईआर रीजन, रोटेशन रीजन कहलाता है और इसका रेंज 25 से 300 या 450 माइक्रोन तक होता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि प्योर रोटी वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा हमको नियर आईआर रीजन में प्राप्त होता है। और क्या आवश्यकताएं हैं उस आईआर रीजन को प्राप्त करने के लिए, उसमें हम देखते हैं कि नंबर 1, जिस रासायनिक पदार्थ का हमको स्पेक्ट्रा प्राप्त करना है उसके अनुकूल सही वेवलेंथ का रेडिएशन यदि रासायनिक पदार्थ पर डाला जाता है तभी हमें स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं आप स्क्रीन में कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ SCL इक्वल्स टू 8.7 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स या 2890 पर सेंटीमीटर है। यदि IR रीजन 2890 सेंटीमीटर इनवर्स का रेडिएशन उस पर डाला जाए या जो भी रेडिएशन डाला जाएगा उसका इतना भाग SCL अवशोषित करेगा और बाकी का वह परावर्तित कर देगा। सेकेंड देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल डायपोल होना चाहिए, जो भी हमारा रासायनिक पदार्थ है उसमें इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट का मान 0 नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। जैसे कि हमारे डायपोलर मॉलिक्यूल SCL, HBr, HI आदि हैं जिनका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता है, कुछ वैल्यू होती है उनमें, उसको अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें आयोनाइजेशन होता है और निश्चित रेंज के स्पेक्ट्रा को एब्जॉर्ब करके वो इंटेंस स्पेक्ट्रा हमें देते हैं। यदि नॉन पोलर मॉलिक्यूल को हम रखें तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल उस IR के साथ में इलेक्ट्रिकल डायपोल नहीं होने के कारण उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और बहुत पुअर स्पेक्ट्रा मिलता है, जो कि जिससे सक्सेसफुल नहीं होता है। तो ये 2 शर्तें हैं हमारे कि IR रीजन में स्पेक्ट्रा प्राप्त करने का। अब नियर IR में प्राप्त होने वाले वाइब्रेशन ट्रांजिशन को हम देखते हैं कि वाइब्रेशन एनर्जी आप डायटोमिक मॉलिक्यूल किस तरह से रिएक्ट करती है। 2 यहाँ ट्रांजिशन दिखाए गए हैं, वाइब्रेटरी मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर 1 स्ट्रेचिंग। यदि हमारा जो भी मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल माने के सेंटर से उसकी स्ट्रेचिंग हो रही है तो पहले फिगर के समान उसमें मोशन होगा। दूसरे में बेंडिंग हो रही है टूवर्ड्स ईच अदर, यदि दोनों एटम टूवर्ड्स ईच अदर कंसाइड होंगे तो बेंडिंग वाइब्रेशंस होंगे। तो इस तरह के कोई मॉड्स होते हैं उनको हम वाइब्रेशन ट्रांजिशन बोलते हैं, और भी कई तरह के वाइब्रेशन ट्रांजिशंस होते हैं आगे हम देखेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि वाइब्रेशन ट्रांजिशन को समझने के लिए एक पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाया गया है। फिगर 1 लिखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसमें हम देखते हैं कि जैसे जैसे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ती जाती है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाता है, ऊपर एक्स डिस्प्लेसमेंट को दिखाया गया है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इस डायग्राम के जो कर्व है उसमें मैक्सिमम दिखाई गई है।
मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, फिर एक ऐसा मास दिखाया गया है जो कि स्प्रिंग के साथ में, यहाँ दिख रहे हैं कि स्प्रिंग के साथ में मास लटक रहा है, तो यदि उसको नीचे खींचते हैं उस मास को, लटके हुए मास को, तो जो डिस्टोर्शन होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको एक्स बोलते हैं, और छोड़ देते हैं तो वापस चला जाता है। अगर हार्मोनिक मोशन होता है तो स्ट्रेचिंग के बाद या बेंडिंग के बाद ओरिजिनल पोजिशन में एटम या मॉलिक्यूल आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। यदि स्ट्रेचिंग इतनी ज़्यादा हो जाए या बेंडिंग इतनी ज़्यादा हो जाए कि उसमें डिस्टोर्शन आ जाए और ओरिजिनल पोजिशन में ना पहुँच पाए, तो ऐसे ही ऑसिलेशन को हम बोलते हैं अनहारमोनिक ऑसिलेशन। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि यहाँ एनर्जी लेवल्स दिखाए गए हैं, वी बराबर 0 से वी बराबर 7 तक लेवल लिए गए हैं, और इसमें हम देखते हैं कि जो ट्रांजिशन है वो प्लस 1 में दिखाया गया, मतलब 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, इस तरह से ट्रांजिशंस को एरो के द्वारा दिखाया गया है। अब हम देख रहे हैं कि किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। यदि हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम एनर्जी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले कंसीडर करते हैं कि वाइब्रेशन ऑफ मास अटैच्ड विद स्प्रिंग इज डिस्प्लेस्ड एक्स बाय फोर्स। यदि उसमें कोई फोर्स लगाया जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स होता है, तो हुक्स लॉ अप्लाई करते हैं। हुक्स लॉ के अनुसार जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो समानुपाती होता है डिस्प्लेसमेंट के, एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स अपन बोलते हैं, और प्रोपोर्शनिटी कॉन्स्टेंट को रिप्लेस करते हैं तो हमारा समीकरण एक आ जाता है एफ बराबर माइनस के एक्स। माइनस साइन इसलिए है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होता है, वो विरोध करता है जो रेस्टोरिंग फोर्स है, एफ रेस्टोरिंग फोर्स है, के फोर्स कांस्टेंट और एक्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। जैसे कि हम फिगर वन में देख रहे थे जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स से प्लस डी एक्स हो सकता है यदि हम पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है तो, देन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यदि हम निकालें तो इक्वल्स टू माइनस एफ डी एक्स। अब इक्वेशन वन का मान इक्वेशन दो में रखते हैं तो समीकरण आ जाता है डेली इक्वल्स टू के एक्स डी एक्स, समीकरण तीन से प्रदर्शित किया गया है। इंटीग्रेट करते हैं इक्वेशन तीन को, उनकी जो लिमिट है उसके बीच में कि लिमिट है जीरो से ई तक, एक्स बराबर जीरो से एक्स तक, तो हम देख रहे हैं कि हमारा इक्वेशन फोर प्राप्त होता है क्योंकि इंटीग्रेशन का जो फर्स्ट इक्वेशन है एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है तो होता है आता है एक्स एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, फिर लिमिट को मान रखते हैं तो इस तरह से आ जाता है इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। इक्वेशन फोर को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। फिगर वन हमको बताता है कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है जबकि स्प्रिंग का स्ट्रेचिंग मैक्सिमम हो गया है या कंप्रेशन। यहाँ पे हम फिगर सेकंड देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर एन हार्मोनिक ऑसिलेशन। एन हार्मोनिक ऑसिलेशन के अंदर ही डॉटेड लाइन के द्वारा हार्मोनिक ऑसिलेटर भी बना हुआ है। हार्मोनिक ऑसिलेटर को हम फिगर वन में देख चुके थे, यहाँ तुलना करने के लिए बताया गया है कि हार्मोनिक और एन हार्मोनिक ऑसिलेशन में कितना डिफरेंस रहता है। हार्मोनिक ऑसिलेशन के समय हम देख रहे थे कि वहाँ जो ट्रांजिशन है वो केवल प्लस वन लेवल का दिखाया गया था, जीरो से वन, वन से टू। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो ऑसिलेशन है वो जीरो टू वन, जिसको फंडामेंटल बैंड बोलते हैं, फिर जीरो टू टू फर्स्ट ओवरटोन, जीरो टू थ्री सेकेंड ओवरटोन, जीरो टू फोर फोर ओवरटोन बैंड्स, इस तरह का भी ऑसिलेशन इसमें प्राप्त होता है। तो जो हार्मोनिक ऑसिलेशन में हम पढ़ रहे थे कि उसकी तुलना में अनहार्मोनिक ऑसिलेशन वास्तव में रियल ऑसिलेटर है। कोई भी ऑसिलेटर परफेक्टली सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन नहीं करता है, इसलिए यहाँ करेक्शन होना आवश्यक होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि इक्वेशन दो के इक्वेशन फोर के बाद न्यूटन्स लॉ को यदि अप्लाई करते हैं तो न्यूटन्स लॉ के अनुसार फोर्स इक्वल्स टू एम इंटू ए होता है। एम यहाँ मास है और ए है एक्सेलरेशन। यदि ऊपर के इक्वेशन में से हम देख रहे हैं कि मोशन ऑफ मास एज फंक्शन ऑफ टाइम अप्लाई करें तो उस समय हमारे इक्वेशन में एक्सेलरेशन जो है उस एक्सेलरेशन का मान आता है डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल टी स्क्वायर। ये इक्वेशन न्यूटन्स लॉ से रिलेटेड है, उसको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के लिए इक्वेशन है उसको लिया गया है। अब ए के इस मान को इक्वेशन पाँच में रखते हैं और उसको इक्वेट करते हैं इक्वेशन वन से तो हमारा जो मान है वो आता है एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस के एक्स, इक्वेशन सेवन से प्रदर्शित किया गया है।
इस इक्वेशन का यदि हम सॉल्यूशन लेते हैं तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 7 इज x इक्वल्स टू a साइन अंडर रूट के अपॉन एम टी। इक्वेशन 8 कहलाता है जहां a एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मैक्सिमम x से यहां दिखाया गया है फिगर 2 में। वन कंप्लीट साइकिल ऑफ साइन फंक्शन इन्वॉल्व चेंजेस ऑफ 2 पाई, a का मतलब है। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो टाइम रिक्वायर्ड होता है एक साइकिल के लिए उसको टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, टॉ इक्वल्स टू टाइम, वेयर स्मॉल टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। इक्वेशन 9 कहलाता है और फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, देयर फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन न्यू एम इक्वल्स टू 1 अपॉन टॉ या टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई, जो इक्वेशन सेम था, अंडर रूट के अपॉन एम हो जाता है क्योंकि वो रेसिप्रोकल है 1 अपॉन टी का। यहाँ हम देख रहे हैं कि न्यू एम नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर है और एम रिड्यूस्ड मास है, जिसको कि एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू कहते हैं, जहाँ एम वन और एम टू दो डायटोमिक मॉलिक्यूल यदि है तो दोनों एटम्स के मासेस हैं। वी एम बराबर इक्वेशन 11 के बाद देखते हैं कि इक्वेशन 11 को पुट करते हैं इक्वेशन 10 में, तो जो हमारा समीकरण मतलब रिड्यूस्ड मास की वैल्यू जो वहाँ स्मॉल एम था उसको रिड्यूस्ड मास माना गया है नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर के लिए, उसको पुट करते हैं इक्वेशन 10 में तो हमारा इक्वेशन 12 आ जाता है, न्यू एम इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट के अपॉन म्यू, और म्यू का मान रखते हैं तो इक्वेशन आता है 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट के एम वन एम टू एम वन प्लस एम टू अपॉन एम वन एम टू। इक्वेशन 12 दिखाया गया है। फॉर एनर्जी कैलकुलेशन अप्लाई कंसेप्ट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, तो जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन का कंसेप्ट है उसको अप्लाई करते हैं तो E बराबर V प्लस हाफ एच अपॉन 2 पाई अंडर रूट के अपॉन म्यू आ जाता है। इस इक्वेशन से फोर्स कांस्टेंट की गणना भी की जा सकती है और इक्वेशन 10 से हम मान को कंपेयर करते हैं तो आता है इक्वेशन E इक्वल्स टू V प्लस हाफ एच न्यू एम जीरो। यदि यहाँ पर मिनिमम एनर्जी जीरो वाइब्रेशनल लेवल में होता है, वाइब्रेशन क्वांटम नंबर का मान जीरो होता है, तो इक्वेशन 5 प्राप्त होता है V प्लस हाफ एच न्यू जीरो, न्यू एम इक्वल्स टू न्यू जीरो, और सिलेक्शन रूल के अनुसार डेल्टा V बराबर प्लस माइनस 1 होता है, मतलब एक अपर लेवल में या एक लोअर लेवल में ट्रांजिशन होता है, इसको हम बोलते हैं प्लस माइनस 1, प्लस फॉर अपर लेवल ट्रांजिशन, माइनस फॉर लोअर लेवल ट्रांजिशन। अब सपोज करते हैं कि एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है और जो कि ट्रांजिशन अपर लेवल V डैश से लोअर लेवल V डबल डैश में हो रहा है, तो एनर्जी चेंज का मान, उसकी ऊर्जा स्तर में परिवर्तन का मान डेल्टा E बराबर ई वी डैश माइनस ई वी डबल डैश के बराबर होता है। डेल्टा ई वी बराबर V डैश मान रख रहे हैं ई वी डैश और ई वी डबल डैश का, तो इस तरह से कॉमन निकालते हैं V डैश माइनस V डबल डैश, तो हमारा इक्वेशन 16 प्राप्त होता है। फ्रीक्वेंसी आप ट्रांजिशन निकालना हो तो इक्वेशन 16 में एससी से डिवाइड करते हैं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिशन निकल आती है और इस तरह से इक्वेशन 17 हमको प्राप्त होता है। इक्वेशन 17 में यदि हमारा जो वाइब्रेशन लेवल है उस पर ही हम देख रहे हैं कि डिपेंड कर रही है कि फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज होगा, तो V डैश माइनस V डबल डैश बराबर 1 है, मतलब जो हमारा लोअर लेवल से हायर लेवल ट्रांजिशन हो रहा है वो प्लस 1 है, उस समय हमारा समीकरण हम देख रहे हैं कि न्यू वी बराबर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हो जाता है इक्वेशन 18 में। इसका मतलब है ये हमको ये शो कर रहा है 18 इक्वेशन कि वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम एक सिंगल लाइन को कंसिस्ट करेगा, उसमें कोई रोटेशनल चेंज नहीं होंगे और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बराबर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर होगा, जो कि आइडियल ऑसिलेटर के लिए सही है, लेकिन जो रियल ऑसिलेटर होते हैं इसमें दोनों मान इक्वल नहीं होता है, रोटेशनल ट्रांजिशंस भी ऑलरेडी होते हैं वाइब्रेशन ट्रांजिशन के साथ साथ। इसलिए हम देखते हैं कि डेल्टा वी बराबर प्लस माइनस 1 माना गया है इसमें, लेकिन इसकी लिमिटेशंस होने के कारण कई केसेस में फेल होता है। देखते हैं, नंबर वन रीजन है फेल्स टू हायर वाइब्रेशनल स्टेट, सेकेंड वन है एक्सपेरिमेंट सोर्स वाइब्रेशनल एनर्जीज लेवल आर लेस एंड लेस सेपरेटेड एज वी इंक्रीजेस। देख रहे हैं कि विभिन्न प्रयोगों से हमको पता चलता है कि इक्वल वी में डिफरेंस नहीं रहता, जैसा कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में दिखाया गया था कि वी बराबर 0, 1, 2, 3 सब में इक्वल डिफरेंस है, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में जो हार्मोनिक ऑसिलेटर होते हैं उनमें स्पेसिंग चेंज होती है, इवन स्पेसिंग नहीं होती है। थर्ड देख रहे हैं कि ओवर टोन्स आर ऑल्सो ऑब्जर्व
बट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर नॉट एक्सप्लेन्स. सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हमको ओवरटोन्स के बारे में नहीं बताता. ओवरटोन्स मतलब जो हमारा प्लस वन या माइनस वन से डिफरेंट, जीरो से टू, जीरो से थ्री, जीरो से फोर, इस तरह के जो ट्रांजिशंस होते हैं उनको ओवरटोन्स बोलते हैं, जो कि नॉर्मल रूल को ओवरकम करके हमको प्राप्त होते हैं, जो रियल में हमको मिलते हैं मॉलिक्यूल्स में. तो इन तीन रीजन के कारण ये पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है. और हम देखते हैं कि वाइब्रेटिंग डायटोनिक मॉलिक्यूल एज एन हार्मोनिक ऑसिलेटर. रियल मॉलिक्यूल इज नॉट ऑबे लॉज ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर परफेक्टली. रियल मॉलिक्यूल्स डेविएट फ्रॉम हुक्स लॉ. Therefore, figure 2 shows behavior of real molecule. हम देख चुके हैं एनहार्मोनिक ऑसिलेशन को, जिससे जो कि हमारे रियल बिहेवियर से डेविएट हो रहा है. यहाँ फिर से देख सकते हैं, ये इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि किस तरह से डेविएशन उनको दिखाई दे रहा है. अब हम इसको अप्लाई करते हैं वाइब्रेटिंग डायटोनिक मॉलिक्यूल के लिए. और पीएम मोर्स थे साइंटिस्ट, उन्होंने डिस्टोर्शन के लिए अपना इक्वेशन दिया, उसको मोर्स इक्वेशन कहते हैं. इस इक्वेशन 19 के अनुसार E इक्वल्स टू डी ई क्यू इंटू वन माइनस एक्सपोनेंशियल डी आर ई क्यू माइनस आर होल स्क्वायर. यहाँ डी ई क्यू डिसोसिएशन एनर्जी फॉर डायटोनिक मॉलिक्यूल है, A कांस्टेंट है, आर ई क्यू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है. इक्वेशन 19 को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में यूज करते हैं और जो अलाउड ट्रांजिशंस है वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स के लिए, तो मान आता है इक्वेशन 20 के अनुसार ईवी इक्वल्स टू वी प्लस हाफ एस सी बार ओमेगा ई माइनस वी प्लस हाफ होल स्क्वायर एस सी एक्स बार ओमेगा ई प्लस वी प्लस हाफ होल स्क्वायर एस सी वाई बार ओमेगा ई प्लस एंड सो ऑन. मतलब आता चला जाता है इस तरह से. एक्स वाई जो है ये एनहार्मोनिसिटी कॉन्स्टेंट है यहाँ, ओमेगा ई इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉलिक्यूल है, और सिलेक्शन रूल अब अनहार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जब अप्लाई करते हैं तो डेल्टा वी का मान केवल प्लस माइनस वन न होकर के प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस फोर एंड सो ऑन भी होता है. वी बराबर जीरो से वन से जीरो ट्रांजिशन होता है उसको फंडामेंटल बैंड, जैसे फिगर टू में हम देख रहे थे. वी बराबर टू से वी बराबर जीरो है फर्स्ट ओवरटोन बैंड कहलाती है, या सेकेंड एनहार्मोनिक कहलाता है वो. और V बराबर 3 से V बराबर 0 सेकेंड ओवरटोन या थर्ड एनहार्मोनिक कहलाता है. तो हम देख रहे हैं जो ओवरटोन बैंड्स हैं वो एक नेक्स्ट एनहार्मोनिक कहलाते हैं, क्योंकि पहला एनहार्मोनिक फंडामेंटल बैंड है, दूसरा है फर्स्ट ओवरटोन बैंड है, तीसरा सेकेंड ओवरटोन बैंड है. इस तरह से ओवरटोन बैंड्स एक्चुअल में प्राप्त होती हैं. अब यदि हम दो वाइब्रेशन लेवल्स के ट्रांजिशंस की एनर्जी में डिफरेंस देखते हैं तो इक्वेशन 21 के अनुसार हमको डिफरेंस मिलता है. और यहाँ भी यदि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन निकालते हैं तो इस समीकरण 21 को डिवाइड करते हैं हम एस सी के द्वारा तो ये हमको मिल जाता है. और यहाँ वैल्यूज भी निकाली गई हैं. अगर फंडामेंटल बैंड है जिसमें वी बराबर 1 से वी बराबर 0 है तो इक्वेशन हमको क्रमशः प्राप्त होते हैं, 1, 2, 3 लिखा हुआ है उसके अनुसार प्राप्त होते हैं. इसका जो मेन एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट एंड बॉन्ड डिस्टेंस में. देख, कैलकुलेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट में फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन या फ्रीक्वेंसी बराबर 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन म्यू इक्वेशन को यूज़ करते हैं तो हर्ट्स में हमारी वैल्यू आती है. और यदि हम इसको सी से डिवाइड कर देते हैं तो समीकरण हो जाता है 1/2 पाई सी. सी यहाँ प्रकाश का वेग है तो इक्वेशन हो जाता है 1/2 पाई सी अंडर रूट के अपॉन म्यू मीटर इनवर्स. यदि हमने मीटर में रखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ लाइट को, यदि हम उसको यूनिट को सेंटीमीटर में रखेंगे तो जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर इनवर्स आएगा. और म्यू यहाँ रिड्यूस्ड मास है, के फोर्स कांस्टेंट है. तो इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू के द्वारा फोर्स कांस्टेंट की गणना कर सकते हैं. इस समीकरण से अगर फोर्स कांस्टेंट निकालना होगा तो इस समीकरण में सबकी स्क्वायरिंग हो जाएगी और के इक्वल्स टू आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर सी स्क्वायर बार न्यू स्क्वायर इंटू म्यू. इस तरह से हम निकाल पाएंगे फोर्स कांस्टेंट को. थैंक यू.